नवाज भाई आपके लिए एक सवाल है। आपने सलमान और आमिर के साथ भी काम किया है, शाहरुख के साथ काम करना कितना इंटीमिडेटिंग था आपके लिए? इतना क्या? क्या किसी तरह का प्रेशर था जब शाहरुख के साथ आप काम कर रहे थे, आपने सलमान आमिर के साथ काम किया? ऑफकोर्स जब मैं काम करने से पहले थोड़ा सा ऑफकोर्स मैं घबराया हुआ था, लेकिन जब सीन करने गए तो फिर ऐसा लगे जैसे हाँ जैसे हम लोग एक्टर्स काम करते हैं, जैसे थिएटर में भी करते थे, तो उस तरह की केमिस्ट्री डेवलप होने लगी। सलमान और शाहरुख के साथ काम किया है, अब तो दोनों दोस्त भी है, तो आपके हिसाब से कौन सा एक्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है? नवाजुद्दीन से कोई भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। ये कंपैरिजन थोड़े ना होते, हर एक आदमी की अपनी खासियत होती है, यूनिकनेस होती है, हर एक एक्टर की अपनी एक खासियत होती है, तो कंपैरिजन करने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो शुरू से मतलब मेरे मैं फैन रहा हूँ इनका, तीनों का। क्यों तीनों को क्यों नहीं चॉइस कर सकते? आप दोनों को चॉइस क्यों नहीं कर सकते? एक का क्या मतलब? आप लड़की हो, आप एक को चूज करो, तो लड़के हैं तो तीनों का।